हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ने वाले हैं वो है एक्स वन द रियलिटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन ऑफ रोले थ्योरम, यानी जो रोले थ्योरम के हाइपोथेसिस थे उनको चेक करना है और वो चेक होने के बाद वो चेक हो जाती है सारी और वो फिट बैठती है तो उसके बाद रोले थ्योरम का जो कंक्लूजन था उसको सेटिस्फाई कराना है या उसको निकालना है। तो इस तरह से हम इसको हम चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले रोले थ्योरम हमने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी उसमें हाइपोथेसिस क्या क्या थे। पहला हाइपोथेसिस था उसमें जो फंक्शन था वो ए बी पे जो क्रोसेंटर ए बी पर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम एफ एक्स को किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग एक्स एक्स प्लस ए बी सॉरी ए प्लस बी, ये हो गया। अब फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो इसको एम डॉट एन की फॉर्म से खोल सकते हैं। तो इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग ए प्लस बी, ये हो जाएगा। क्योंकि माइनस वैसे प्लस आता बट इस माइनस की वजह से यहाँ पे भी माइनस आया है तो ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो है लॉग के अंदर जो कोई फंक्शन हो अगर वो कॉन्टिन्यूस हो तो लॉग फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। इस तरह से लॉग ये भी फंक्शन है और ये कुछ खुद में कॉन्स्टेंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑल फंक्शन ऑल पार्ट ऑफ एफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस सो एफ एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, यानी ए बी जो क्लोज इंटरवल है उसमें फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। सेकंड हमें चेक करना होता है जो फंक्शन है वो एफ एक्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये तो हमने चेक कर लिया। सेकंड हमें चेक करना होता है फिर जो फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है या नहीं। तो फंक्शन को डिफरेंशियबल चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिफरेंशियल फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था उस तरह से भी चेक कर सकते हैं या वो कंटिन्यूटी की वही उसी तरह से चेक कर सकते हैं। बट अगर हम डायरेक्टली शो कर दें तो बहुत अच्छा होता है। अब इसको हम डायरेक्टली शो करना चाहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है। तो यहाँ से इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, तो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास यहाँ से वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और इस फंक्शन का हुआ चेन रूल से तो ये हो जाएगा 2x, इसका करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स और ये जो है टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहां से ये हो गया हमारे पास एलसीएम डीएक्स का, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ये एलसीएम आ गया इसका। तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर से ये हट जाएगा और बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी। अब फिर से जब हमने डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे, अब हमें चेक करना है ए बी में ये डिफरेंशियबल है या नहीं। तो फंक्शन ए बी में डिफरेंशियबल हुआ या नहीं उसके लिए हम उसके डेरिवेटिव को चेक कर सकते हैं कि डेरिवेटिव कहीं पे इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन तो नहीं है। अगर हम इसमें देखें तो फंक्शन जो नॉन डिफाइन ए बी के जो क्लोज इंटरवल पॉइंट है ए बी इस पॉइंट के अंदर कहीं भी ये डिफाइन नहीं है। क्योंकि ये डिफाइन कब होगा, नॉट डिफाइन कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो हो या एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए बी हो, उन दोनों केसों का होगा। बट दोनों केस चूंकि हमारे पास जो कंडीशन है यहां पे दिया हुआ है जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए बी, जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए बी फ्रेंड्स, और साथ में एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए बी, अगर हम देखेंगे तो ए बी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस रूट ए बी से हमेशा कम या ज्यादा होगी। जो भी अगर जैसे ये प्लस है तो उस कंडीशन में जो वैल्यू है जैसे ये 2 है ये 4 है तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो आई ए टू ए डॉट बी की तो ये तो आई हमारे पास 8 रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2 रूट 2। हाँ, तो ये वैल्यू आई हमारे पास एक्स बराबर यहाँ पे आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, अगर ए बी बराबर हम वैल्यू देख रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो यहां से एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 2 रूट 2 आयोटा।
आयोडा यानी इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, तो इस कंडीशन में ये बाहर हो जाएगा। अगर अगर सपोज कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन केस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के केस में सपोज ये है हमारे पास माइनस टू एंड फोर इंटरवल है और जीरो नॉट बिलोंग्स टू, ये भी दिया हुआ है तो हम उसको ले नहीं सकते, माइनस टू और फोर को भी नहीं ले सकते। तो यहाँ से हो गया हमारे पास ये याद ये पॉजिटिव ही होने चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास। और ए बी जो है ये हमारे पास ये टर्म कब जाएगी जीरो, जब ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये कभी जीरो हो नहीं सकता। तो अब यहां से हम कह सकते हैं फंक्शन जो है वो कहीं भी नॉट डिफाइन नहीं है। सो चूंकि एफ डैश एक्स इज डिफाइन इन ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी में सब जगह डिफाइन है, तो यहां से हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स जो है वो डिफाइन है। तो यहां से एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, तभी तो वो एफ डैश एक्स डिफाइन है। अगर एफ जो है वो कहीं पर एक जगह भी ए बी में कहीं पर भी एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं होता तो उस कंडीशन में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट्स के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो हम यहाँ से कहेंगे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है पूरे इंटरवल ए बी में। तो ये हो गया। सर थर्ड हमारे पास केस था, थर्ड केस था हमारे पास एफ ए बराबर एफ बी। थर्ड केस है फ्रेंड्स हमारे पास एफ ए बराबर एफ बी। अगर एफ ए बराबर वैल्यू देखना चाहें तो लॉग ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, अगर ए कॉमन लेना है यहां से तो ए ए प्लस बी एंड ये हो जाएगा ए ए प्लस बी यानी लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू जीरो। तो ये तो हो गया हमारे पास एफ ए बराबर। अगर एफ बी बराबर चेक करना चाहें तो लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी डॉट ए प्लस बी, इसी तरह यहां पे अगर हम बी कॉमन ले लें तो हो जाएगा लॉग बी ए प्लस बी और यहां से बी ए प्लस बी, तो ये हो गया लॉग वन इक्वल टू जीरो। तो एफ ए बराबर एफ बी है। अब फ्रेंड्स एफ ए बराबर एफ बी है तो अब हमें रूलिंग थ्योरम क्या करेंगे, हमारे पास अगर एफ बी बराबर एफ बी एफ ए बराबर एफ बी हो तो हमारे पास ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी इस तरह से मिल जाएगा जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो। तो इसके लिए अगर ऐसा पॉइंट हमें चाहिए तो यहां से हमें एफ डैश एक्स को जीरो पुट करना होगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एफ डैश एक्स थी, ये जीरो कब होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो। तो थर्ड केस यानी कि रूलिंग थ्योरम पर पॉइंट निकालने के लिए सी निकालने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर दें तो एफ डैश एक्स ये है तो ये जीरो हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो या एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए बी, ये हो गया यानी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट ए बी एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। अगर जैसे सपोज हमने यहाँ पे टू और फोर लिया था, टू एंड फोर लिया था, तो यहाँ के लिए अगर ए बराबर टू है बी बराबर फोर है तो ये आ जाएगा एट ए बी बराबर, तो एक्स बराबर रूट ऑफ एट यानी जो एक्स बराबर इसके लिए इस एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल के लिए टू रूट टू रूट टू रूट टू जो कि हमारे पास टू से तो बड़ा है और फोर से छोटा है और ये पॉइंट हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा जिस पॉइंट पर फंक्शन जो है जीरो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट मिल गया। इसी तरह हर पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ये रूट ए बी फ्रेंड्स ए से छोटा है और बी से सॉरी ए और बी के बीच में बड़ा बीच में है पॉइंट, क्योंकि रूट ए और बी तो किसी भी एग्जाम्पल की ऑप्शन देख सकते हैं ये पॉइंट जो है रूट ए बी इन पॉइंट्स के बीच में आएगा क्योंकि दो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए नंबर और बी नंबर। अब उनका मल्टीप्लाई जो होगा या तो मैक्सिमम नंबर मल्टीप्लाई कब हो सकता है जब बी स्क्वायर हो या ए स्क्वायर हो तो मिनिमम हो सकता है। तो अगर रूट ए बी होगा तो उनके बीच का ही पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं रोले थ्योरम जो है वो इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से बिलोंग कर रहा है और इस पे जीरो है। तो इस तरह से फिर रोले थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।